राम राम बे सारे बहन भाइयों को, कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ मैं भी ठीक हाँ बे। कर ले हाँ वो लोग की शुरुआत आज सुबह सुबह कर ले हाँ। सुबह का काम हो गया हमारा, झाड़ू पोछा आ गया है, नहा लिए धो लिए हाँ, और कविता बनाने लग रही है। सब्जी बना दी आज कविता ने, घिया की सब्जी बनाई है और खीर बनाने लग रही है। रोटी काटेंगे आज है बे मावस, तो खीर बना दी है रही। रोटी रोटी पौनी रह रही है और बारिश आने वाली हो रही है। कसूता देखो राम जी, कसूता काला हो रहा है वे, शायद दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, लाइट पड़ रही है। कसूता काला राम जी हो रहा है। कति बरसेगा बे, सारी जगह बरस जाइए। एक दो ने कह रहा किसी हमारी तरफ नहीं बरसा है बे, राम जी से न्यू कहा हाँ, सारी जगह बरस जाए राम जी। अब तो और बरसे गया होगा इब तो मेरे ख्याल में, क्योंकि मानसून आए गए न्यू लग रहा है, रोज बरसा इब तो छोटी छोटी बूंद आ गई है। तो दिखाती हूँ बाहर का एक बार मौसम आप लोगों को। लो देख लो कति एक सार हो रहा है, राम जी बरसेगा। एकाधे बूंद आई है लेकिन काला हो रहा है। सही बढ़िया मौसम कर दिया इब तो, शादी तक सही मौसम हो जाएगा। वे शादी वाले दिन नहीं बरसना चाहिए ना, तो कति ओढ़न पहनने का मजा नहीं आएगा जो बारिश होगी तो। छोटी छोटी बूंद आने लग रही गाड़ी पपड़ी है। लो बे खाना खुना खाने के बाद ई बागी हूँ मैं मशीन पे। गाय ने रोटी दे आए थे, माउस काट दी थी हमने। आज तो मैंने सोचा है कि मैं सलवार पूरी करके ही उठूंगी, आज नहीं मानूंगी बे, इसलिए मैं बख्ते लाग जाऊँ। फिर मेरा मूड का नहीं बेरा के बेरा कि मैं काम आ जावे, इधर उधर जाना पड़ जावे। और सही मैं आ गया बे, यो सब काम करया। फिर पार्सल पुर्सल आ रहे थे मैं बुक करे, फिर संतोष दीदी का फोन आ गया कि बोली माँ की थोड़ी सी तबीयत सी खराब हो रही है। कल शाम ने मैं ऑर्डर उनकी बहन रहा करती ना संतोष दीदी की, उनके पास मैं जो अबू आ रही थी उनका रात जगह था, तो वहाँ जा रही थी दोनों माँ बेटी। और फिर वहाँ से वह जान जिजी रहा कर दी संतोष दीदी की बहन वहाँ चली गई, तो माँ का न्यू जी सा ख़राब हो गया, तो इसलिए थोड़ी सी न्यू उदास सी कि मैं लूज मोशन हो रहे थे, घबराहट सी हो रही थी। तो फिर मैं बोल चल ठीक है दीदी, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। फिर मैं चली गई वह संतोष दीदी के पास। फिर जाना हुई एक बार बैठने के बाद तो इतना टाइम लग जाए, फिर सारी दोपहर हम वहाँ बैठे रहे, बातें मारते रहे। और फिर वहाँ से आई मैं ढाई दो ढाई बजे से आई। फिर आने के बाद हमने वैक्स करी, क्योंकि ये बाप लोगों ने भी बेराई होगा, शादी के थोड़े दिन रह रहे हैं। मान लिया कविता डेली का एक एक काम करांगे ना, तो फिर न्यू हो जाएंगे। आज कर ली भी हमने वैक्स, मेहंदी मैंने कल लगा ली थी, कविता शायद लगाओगी कल मेहंदी। और मन ने कल एक जगह और जाना है, गीता में जाना है। ये सुमन बाला और कह रही थी कि यहाँ पांच सेक्टर में किसी का शादी है, तो वहाँ गीता में चला गीत गुआन जाया करें। बिहाड़ा गुड़गांव में यो रिवाज है, सारी मान ले अपनी फ्रेंड हो ना किसी का, उनका शादी हो तो सारी फ्रेंड मिलकर उनका घर गीत गुआन जाया करें। तो देखो कितनी जनी जावांगे, आ लिया दिन में फ़ोन कि वहाँ चलना है। तो मैं सोची 11-12 का टाइम लग दिया हुआ है, तो 3-4 तो आराम से बच जाएंगे आते आते। फिर कल कोई काम हुआ नहीं, हमने फेशियल भी करना है और भी कई काम है भे, थ्रेडिंग भी करवा के आओगे, वो भी नहीं करवाई है। माँ शादी की कर लिया है तैयारी न्यू करके, फिर आज हमने वैक्स तो कर ली। माँ एक तो काम पाचन हुआ, फिर ये सूट सिलने जो जा रहे हैं वह आए ना है, शायद कल दे कर जाओगा टेलर। और फिर वह जो चावा जो चुवा भी गए, फिर छोटे मोटे सामान भी रखना है कि मैं किस टाइम कौन सा पहनना है, ये सब सेलेक्ट करने हैं। जूती चप्पल भी रखनी है, घना ही काम है बे मारा। 8 तारीख ने जान का विचार है, सुमित बे जावे कौन, सुमित ने तो काम है। देखो सुमित हमने शायद छोड़ कर तो आ जाओगा, और शायद सुमित मैं तो न्यू कही थी नहीं तो बारात की बारात में आ जाइए, फिर बारात में जाकर ना और फिर इधर की इधर उल्टा ही आ जाओगा रात ने। तो बाकी देखो अभी कैसे के प्लान बनेगा, इब काम हो जाओ तो फिर कहाँ लकड़ा जावे, मजे आओगे नरे गांव में
गर्मी हो रही है बेगनी। मारे तो आज राम सुबह कहूँ नहीं थी कि बारिश आने वाली हो रही है, लेकिन एक बूंद भी नहीं आई। वे गोट और कर रहा है, और कित कित बारिश हुई जरूर कमेंट करके बताइयो। चलो वे ईब लाग रही हूँ मैं यह सलवार सिलन, और ईब मैं संतोष दीदी का जा रही थी ना आगे दिखाऊंगी आप लोगों ने, वहाँ बैठ कर हमने दो तीन रील बनाई, माँ से इधर उधर उधर की बातें करी ताकि बुढ़िया का न्यू थोड़ा सा मन सा बहल जावे। पुरानी बातें सुनी माँ से कि माँ पुरानी बातें बताओ, आपके के काम कराया कर दे, के मैस रखा कर दे। बस हमारा बैठन का बोलन बतलान का यो ही मकसद था कि थोड़ा सा मन मैं कुछ सोच रही होगी उधर से मन हट है। देखो ईब आ खुद बैठी रहा अपने आँखें का आगे, बेटी चली जावे तो बड़ा दुख हुआ है, समझ सका हाँ मैं माँ की स्थिति ने, लेकिन क्या करा बे। देखो आगे हमने के रील बनाई, देखो आप लोग सब इनसे मिलो। ये वो है जो हर बार ट्रिप का प्लान बनाकर कैंसिल कर देते हैं। दो तीन रील बनाई हमने न्यू बैठे बैठे, माँ का भी मखा टाइम पास हो जाएगा। एक दिन मैंने सारी इंस्टाग्राम वाली रील दिखाई थी, माँ थी खुश हो गई थी न्यू हंसी मजाक की रील सी देख कंजी सा लग जावे है। और फिर वहाँ से आने के बाद दीदी के यहाँ से आने के बाद हमने वैक्स करी थी, और ई भी से हमने 5 बज रहे हैं बे। ई फिर मैं दोबारा अपनी मशीन पाएगी हूँ, ई तो मैं इसने तैयार करके ही उठूंगी, क्योंकि बेटिया ने बोल रखा था कि आंटी हमें आज आप पूरा करके दिखाना मुझे सूट, तो फिर आ गई हूँ मखले भी आज तो पूरा करें बना उठूंगी नहीं तो फिर। लो बे ई बाग देखियो मैंने मेरी हो गई है सलवार पूरी, और सलवार पूरी होने के बाद फिर मैंने नायरा और से बात करी, उनका बीच में कॉल आ गया इसलिए थोड़ा सा वो लोग लेट हो गया बे। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम बे, सब ने खुश रहा करो हमेशा। और ई बाग बताइयो मेरा सूट किसा लगा है, गर्मी में सुहाण का है बे कति जमाए, इस मौसम में सुहाण का सूट है बे। राम राम बे सब ने खुश रहा करो हमेशा, खा लिया है खाना का टाइम हो गया है, तैयार मेरा सूट आज मैंने पूरी कर दी है सलवार। देखो कौन थी ना कई बेटियां कौन थी आंटी पूरा दिखाना सिलने के बाद, आज कंप्लीट कर दिया है, गर्मी का सही जिसे देना रसम करे सलवार भी ठीक बन गई। बाकी आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। अरे यार देखो बे मेरी मशीन न्यू सही है, हमने इसी जगह अंदर रखी है कि हम टीवी देखते देखते भी मैं सिलाई कर लूँ तो न्यू बोरिंग सा ना लगा अपने आड़ कि मैं फिल्म फलम लगानी हो कि मैं सीरियल देखने हो तो वो भी देखते रहवा और अपनी सिलाई भी हो जावे। और ईब शाम के देख लो बे 8:15 हो गए हैं, ईब डालूँगी वो लोग 8:11 हो गए। कविता के बनाने लग रही है, जब दिखाती हूँ आप लोगों को के सब्जी बनाई आज कविता ने, के बनाओ कविता करेले ले वे करेले बन गए हैं, आम भी ले आई थी कविता, ये देखो पहले बोनने की आलू ना गिरे आज गिरे गए, आलू भी शायद कट रही थी है ना, आलू गिर के भी टेस्टी बना है सही एक नंबर के। ले वे बन जे है खाना, फिर खाते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, राम राम सबको।